नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार आज आपके लिए अपने इस चैनल के ऊपर मिस्टर ट्रू डील एंड मैनुअल स्टेट्स के आपके लिए एक ऐसी प्लॉटिंग लेकर आया हूं जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो भी इस समय टाइल्स का वर्क चल रहा है, सोसाइटी रेडी हो रही है, पार्क्स भी है सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी का प्राइस भी बिल्कुल सही रहने वाला है। और सबसे पहली बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन की, CLU इन हैंड है और इसके अलावा लेआउट अप्रूव्ड हो चुका है, इसके अलावा रेरा के लिए अप्लाइड फॉर हो चुका है। इसके अलावा बात करें बाउंड्री वॉल की, पीछे आप देख सकते हो ब्लॉक के साथ यहाँ पर बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे करके। सीवरेज के लिए आप सीवरेज का कनेक्शन देख सकते हो, यहाँ पर सीवरेज के पॉइंट्स यहाँ पर रेडी कर दिए गए, सारी लाइन में एंड टू एंड अच्छे से देखेंगे आपको पता लग जाएगा। और प्लांट्स की बात करें सोसाइटी के अंदर इस समय तकरीबन 250 के आसपास ट्री लगाए जा चुके हैं। जैसे जैसे टाइम बीतेगा प्लांट्स भी अच्छे ग्रो होंगे और जैसे जैसे टाइम बीतेगा सोसाइटी भी यहाँ पर रेडी होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा लोग यहाँ पर अपना घर बनाना भी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट रहने वाला है डेरा बसी चंडीगढ़ हाईवे के बिल्कुल नजदीक रहने वाला है, यहाँ से बात करें अम्बाला नेशनल हाईवे की वो भी बिल्कुल नजदीक रहने वाला है, यहाँ से बात करें सिविल हॉस्पिटल की, ITI की, अनाज मंडी की, डेली रूटीन के सारे सामान की, तो सारी फैसिलिटी बहुत ही नजदीक और पास में रहने वाली है। और मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ इस समय हम चंडीगढ़ से मात्र आधे घंटे की ड्राइव के ऊपर है, मतलब 30 मिनट के ड्राइव के अंदर हम यहाँ से चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। प्रोजेक्ट की बात करें प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है, प्रोजेक्ट के अंदर हमें सीवरेज का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, इंटरलॉक टाइल आप देख रहे हो कंप्लीट हो चुके हैं, सीवरेज के पॉइंट रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर हैजिंग लग चुकी है, इस लाइन में आप देखोगे सामने अभी जो ट्रीज लग चुके हैं काफी अच्छे लग रहे हैं ट्रीज लगे हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर 3 पार्क मिलने वाले हैं, एक पार्क रहेगा तकरीबन 1800 गज के अंदर, एक पार्क रहेगा 1100 गज के अंदर और एक पार्क रहेगा तकरीबन 900 से 800 गज के अंदर। और साथ के साथ ये जो सोसाइटी रहने वाली है सारी ही गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, इस सोसाइटी के बाहर बात करें हमें कमर्शियल शॉप्स भी मिल जाएंगी जिसका साइज रहेगा 10x25। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है, यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 100 गज, 125 गज, 150 गज, इसके अलावा 115 गज की कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है। बात करें यहाँ पर हमें पोजेशन टाइम की, बात करें यहाँ पर रजिस्ट्री टाइम की या बात करें यहाँ पर लोन की, तो तीनों ही चीजें एक ही टाइम पर हो जाएगी। यहाँ पर पोजेशन आपको इमीडिएट मिलना स्टार्ट है, यहाँ पर आपकी रजिस्ट्री इमीडिएट स्टार्ट है, यहाँ पर सरकारी और प्राइवेट बैंक दोनों ही अवेलेबल है लोन देने के लिए। बात करें 100 गज के प्लॉट की, 100 गज का प्लॉट दोस्तों हमें लगभग यहाँ पर 11.5 से 12.5 लाख रुपए के रेंज के अंदर पड़ता है, आपको बता देता हूँ कैसे, 11.5 लाख रुपए का रहेगा प्लॉट और सोसाइटी का IFMS चार्जेस है कुछ 25,000 रुपए पर यूनिट के हिसाब से और रजिस्ट्री का कुछ चार्जेस है लेडीज के नाम पर 60 से 70 हजार रुपए लगता है अगर सारी अमाउंट को रजिस्ट्री कराते हैं, लगभग मेल के नाम पर 1 लाख रुपए लगता है सारी अमाउंट के अगर रजिस्ट्री कराते हैं, तो लगभग मानकर चलिए 11.5 लाख का प्लॉट हुआ और सारा कुछ डालकर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह डालकर रजिस्ट्री का अमाउंट डालकर IFMS चार्जेस डालकर कुछ डिस्काउंट भी करने के बाद लगभग हमें ये जो प्लॉट पड़ जाएगा 12.5 लाख रुपए का यहाँ पर प्लॉट पड़ जाएगा। यहाँ पर बात करें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पर दोस्तों जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1200 रुपए पर स्क्वेयर फीट विद मटेरियल, अगर विदाउट मटेरियल की बात करें तो 170 से 180 रुपए स्क्वेयर फीट चल रहा है जो लेबर चार्जेस चल रहे हैं। अगर आप प्लॉट 11.5 लाख रुपए में भी यहाँ पर कंपनी से बाय करते हो या 11 लाख रुपए में बाय करते हो तो भी आपका इजिली 1.5 लाख रुपए यहाँ पर खर्च हो जाता है प्रॉपर्टी की फाइनल स्टेज तक पहुंचते पहुंचते, तो इससे बेटर आप सीधे 12.5 लाख रुपए का प्लॉट लीजिए, पोजेशन मिलेगा आपको प्रॉपर, आपकी लोन की फीस आपने नहीं भरनी, आपने प्लॉट की किसी प्रकार की कोई फीस नहीं भरनी, आपने रजिस्ट्री की कोई फीस नहीं भरनी, 2 से 3 लाख रुपए दीजिए, 100 गज का प्लॉट बाय कीजिए, बुक कीजिए, रजिस्ट्री करवाइए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस, दिल्ली से, हिमाचल से, हरियाणा से हो, मेरे से कॉन्टेक्ट में रहिए, टच में रहिए, कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदनी है एक बार जरूर मेरे से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर्टी खरीदनी है और अच्छी डील नहीं मिल पा रही तो उसके लिए एक बार जरूर मेरे से कंसल्ट कीजिए, मैं आपको बेस्ट टू बेस्ट प्राइस के अंदर मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोशिश करूंगा प्रॉपर्टी दिलवाने की। अगर आप सभी लोगों ने कोई प्रॉपर्टी ढूंढ भी रखी है, आपकी डील फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंच पा रही तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, अड़चन आ रही है, तो उसके लिए भी मेरे से एक बार आप डिस्कस कर सकते हो। धन्यवाद, जय श्री राम, आपकी सेवा में हाजिर रहेगा आपका कुमार।